हेलो एवरीवन, आज हम डबल मीन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, गिवन टू रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 एंड साइज n2, यानी इसमें सब डबल मीन है, तो यानी सब चीज़ें हमारे पास टू टाइम्स गिवन होंगी। फ्रॉम द इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 1 इज इक्वल टू 95 एंड मीन 2 इज इक्वल टू 90, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 6 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू 5। फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवेल फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स, अज्यूमिंग दैट सिग्मा स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2। यानी इसमें हमारे पास डेटा गिवेन है, उसकी बुनियाद पे हम इस पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास मीन n1 यानी रैंडम सैंपल n1 दिया हुआ है 9, n2 दिया हुआ है हमारे पास 16, मीन वन हमारे पास है 95 एंड मीन 2 हमारे पास 90 है। तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 6 है, सिग्मा स्क्वायर 2 हमारे पास 5 है। कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है 95। और अब हमने पहले डिस्कस किया था, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास सैंपल का गिवन हो तो हम उसमें जेड टेबल से फॉर्मूला पुट करेंगे, जेड टेबल से सॉल्व होगा वो सवाल। तो जेड टेबल की जो हमारी टेबल में वैल्यू है 1.96, वो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू बनती है 1.96, जो हमारे पास पीछे टेबल में गिवन थी। वो टेबल कुछ इस तरह से है, ये हमारा टेबल है कॉन्फिडेंस इंटरवल का 95%, इसके हिसाब से 95% की वैल्यू बनती है 1.9। फॉर्मूला दिया हुआ है मीन 1 माइनस मीन 2 प्लस माइनस जेड अल्फा अपॉन 2 अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय n1 n2 और इसका अंडर रूट स्क्वायर, यानी ये हमारा जेड टेबल का फॉर्मूला है। टेबल के हिसाब से हमारी 1.96 वैल्यू बनती है, उसी हिसाब से हमने जेड अल्फा अपॉन 2 की जगह वो वैल्यू पुट कर दी और बाकी मीन 1 की जगह मीन 1 की वैल्यू एंड मीन 2 की जगह मीन 2 की वैल्यू। एज इट इज़ फार्मूला डेटा जो हमारे पास ऊपर गिवन है उसके हिसाब से हमने इधर वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने इसको डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लिया, यानी 5 प्लस माइनस इसको हमने माइनस किया है तो बना है 5, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा और ये भी एज इट इज़। फिर हम अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, हमने इसका स्क्वायर था इसके ऊपर स्क्वायर लिया तो बना 36, इसका स्क्वायर लिया 36, 5 का स्क्वायर लिया हमारे पास बना 25 और डिवाइडेड बाय 9 और 16 एज इट इज़ आ गए। उसके बाद हमने इसको हमने प्लस डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बनी वो 4 प्लस 1.5625 एज इट इज़ बनी और बाकी ये पिछला हमारा एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद हमारी 5 प्लस माइनस 1.96 अंडर रूट 5.5625, इसका हम अंडर रूट लेंगे तो बनता है 4.62। प्लस माइनस का मतलब होता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, एक बार इस वीडियो को हम इस वैल्यू को हमें माइनस में लिखना है एंड दूसरी बार इसको हमने प्लस में लिखना है। इन दोनों को प्लस में लिखेंगे तो करेंगे तो आंसर पहले बनेगा माइनस का 0.38, हमारा ग्रेटर देन म्यू 1 बराबर है 9.62 के। ये हमारे पास माइनस का आंसर बना जब हमने इसको माइनस किया और फिर हमने इसको इधर प्लस किया, उसका आंसर बना 0.38 म्यू 1 माइनस म्यू 2 9.62। ये हमारा डबल मीन एस्टिमेशन का क्वेश्चन था। आज भी हमने डबल मीन डिस्कस किया, पहले हमने इसका सिंगल मीन डिस्कस किया था, आज हमने इसका डबल मीन का क्वेश्चन सॉल्व किया। यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर।